फ्रेंड्स, इन दोनों ही गलतियों को आप ध्यान से देखो। इन दोनों गलतियों के जरिए मैं आपका जो कॉमन राइडिंग मिस्टेक है, जो कि आप में से बहुत से लोग करते हैं, ये प्रैक्टिकली शो कर रहा हूं। और इन दोनों ही गलतियों की वजह से क्या होता है कि एक तो पेट्रोल और पैसे की बर्बादी होती है, दूसरा इंजन, क्लच की असेंबली, गियर बॉक्स, इन सबको नुकसान होता है, माइलेज भी कम हो जाता है। तो इन दोनों ही गलतियों के बारे में आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो कि आपको सुधार कर लेना चाहिए। वैसे इस तरह के वीडियोज में अपने MTS शॉर्ट्स चैनल पर हर दिन एक नया शॉर्ट्स के जरिए आप लोगों को बताते रहता हूँ, हर दिन एक नई जानकारी। तो शॉर्ट्स चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, शॉर्ट्स चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले। पहले हम लोग इस वाली गलती की बात करते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब बाइक को चलाकर आते हैं, बाइक का इंजन स्टार्ट होता है और बाइक होता है हायर गियर में, 4, 5 या 6 गियर पे, उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि इंजन को बंद नहीं करते हैं, वो बाइक को आगे पीछे करते हुए गियर को डाउनशिफ्ट करते हैं और बाइक को न्यूट्रल में लाने की कोशिश करते हैं। कई बार न्यूट्रल आसानी से हो जाता है, कई बार न्यूट्रल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, बार बार वो आगे पीछे करते गियर को डाउनशिफ्ट करते जाते हैं, कई बार नीचे करने से 1 गियर हो जाता है, ऊपर करने से 2 गियर हो जाता है, बहुत मुश्किल से। और बहुत देर बाद फिर क्या होता है कि बाइक न्यूट्रल में आ जाती है और फिर वो इंजन को बंद करते हैं। इतने देर तक ये जो आप न्यूट्रल में करने की कोशिश कर रहे हो हायर गियर से, 4, 5, 6 गियर से, इस बीच में आप पेट्रोल और पैसे दोनों की बर्बादी कर रहे हो। इसका रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम लोग इंजन को पहले बंद कर देते हैं और उसके बाद हायर गियर से डाउनशिफ्ट करते हैं और हम लोग बाइक को न्यूट्रल बनाने की कोशिश करते हैं, तो गियर बॉक्स से कट 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 इस तरह का आवाज आता है, गियर शिफ्टिंग थोड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत से लगता है कि अगर इंजन बंद होकर हम लोग डाउनशिफ्ट करेंगे, बाइक को न्यूट्रल में लाएंगे, तो उससे गियर बॉक्स को नुकसान होगा, या क्लच की जो असेंबली है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, उससे नुकसान होगा, या इंजन को नुकसान होगा। इसलिए क्या करते हैं, वो इंजन को चालू रखते हैं। आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, आप पेट्रोल की बर्बादी कर रहे हो, पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हो, और पेट्रोल फ्री में तो आता नहीं है, तो आपके पैसे की भी बर्बादी होती है। तो आपको करना यह चाहिए कि कहीं से भी आओ और किसी भी गियर में आओ, बाइक को रुकने के बाद फटाफट से तुरंत आप उसी वक्त इंजन को कर दो बंद। अब चाहे 1 गियर 2 गियर हो या 4, 5, 6 गियर हो, इंजन को कर दो बंद, और उसके बाद अगर न्यूट्रल करना ही है तो भाई क्लच लीवर को दबा के बाइक को आगे पीछे करते हुए आप न्यूट्रल में कर लो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन इंजन को चालू रख के इस तरह से आगे पीछे करके न्यूट्रल में करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर आप ये वाली गलती कर रहे हो तो इस गलती को सुधार लो और इस गलती को करना छोड़ दो। वैसे ये वाली गलती आप करते थे कि नहीं करते थे, इस वीडियो में कॉमेंट जरूर से करें। अब आते हैं हम लोग सेकंड गलती के ऊपर। वैसे वीडियो आपको अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दो, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर ले। चलिए, जो सेकंड गलती है वो क्या है, वो ये है। जी हाँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब कहीं से भी बाइक को चलाकर आते हैं तो क्लच लीवर को छोड़कर इंजन को बंद करते हैं। बहुत लोगों का ये हैबिट होता है, इसे अडॉप्ट कर लेते हैं और बार बार हमेशा या मैक्सिमम टाइम ऐसा ही करते हैं कि क्लच लीवर को छोड़ के वो इंजन को बंद करते हैं। मैं मानता हूं कि बहुत से लोगों का कमेंट आना शुरू हो जाता है, यहां पर आएगा भी, कि भाई मैं तो 5 साल से 10 साल से 15 साल से ऐसा ही कर रहा हूं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। जी नहीं, बिल्कुल नुकसान होता है। एक्चुअली में जब नुकसान हो जाता है और आप मैकेनिक के पास जाते हो कि देखो ये वाला प्रॉब्लम आ गया है, तो आपका मैकेनिक ये नहीं पकड़ पाता है कि भाई आप ये वाली गलती बार बार कर रहे हो जिसके वजह से ये नुकसान हुआ। मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब आप बार बार क्लच लीवर को छोड़ के इंजन को बंद करते हो तो उससे जो क्लच प्लेट, जो प्रेशर प्लेट है, वहां पे झटका लगता है बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो क्लच प्लेट असेंबली की जो स्प्रिंग वगैरह है, उससे भी नुकसान होता है। इसके अलावा क्लच केबल में जो टेंशन है वो ज्यादा आता है, वहां पर भी नुकसान होता है। साथ ही जो झटका का आवाज आ रहा है, इस झटके की वजह से क्या होता है कि गियर बॉक्स की असेंबली है उससे भी नुकसान होता है, चाहे बाइक किसी भी गियर में हो नुकसान होता है। इसके अलावा जो क्रैंक शाफ्ट है उस साइड में भी नुकसान होता है। इन शॉर्ट, ये वाला जो हैबिट है ये कोई अच्छा हैबिट नहीं है। कभी कदार बहुत इमरजेंसी में किसी वजह से बंद कर दे रहे हो, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन इसे हैबिट नहीं बनाए। भाई इतना आसान तो है, एक उंगली की दूरी पे होता है हमारा किल स्विच, आप उससे बंद कर लो, या चाबी है की से उससे बंद कर लो। अभी के टाइम पे बहुत सारे बाइक वगैरह में तो होता है साइड स्टैंड सेंसर, उससे बंद कर लो, उससे भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार ये जो क्लच लीवर को छोड़ के बंद कर रहे हो, इस हैबिट को भी आप सुधार लो। और इस तरह से क्या होगा, देखो पेट्रोल और पैसा तो बचेगा ही पहली वाली गलती सुधारने से, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो इंजन है वो हेल्दी रहेगा, वो सेफ रहेगा, जो क्लच प्लेट है वो नहीं जलेगा, या क्लच प्लेट का असेंबली जो वो डैमेज नहीं होगा, गियर बॉक्स को नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों गलतियों को अगर करते थे तो करना छोड़ दीजिए। बहुत ही बेसिक राइडिंग मिस्टेक है जिसके ऊपर में बहुत से लोगों का ध्यान नहीं जाता, वो बार बार करते हैं और इसके वजह से नुकसान तो हो ही जाता है। तो चलो, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर
पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।